हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे ऐसे शेप आ जाते हैं स्ट्रक्चर स्टील में जिनका वेट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि इस टाइप का शेप जिसे हम रिब बोलते हैं। ठीक है, इसे रिब बोलते हैं। ठीक है, इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम बताएंगे आपको। ये जो है ये ट्रायंगल शेप का प्लेट लगता है बूम में। ठीक है, अब बूम कॉलम क्या होता है वो बताते हैं आपको, वो इसका हम प्रैक्टिकली फिगर भी दिखा देंगे। इस टाइप का कॉलम होता है, ठीक है, और इसमें ये एक बेस प्लेट लगा होता है। ठीक है, ये और इसके बाद इस हिस्से को इस टाइप का होता है, ये इसे बोलते हैं बूम। ठीक है, इसे बोलते हैं बूम और ये होता है कॉलम। इसमें इस कॉलम पे ही इस टाइप का लगा होता है जिसे बोलते हैं रिब। ठीक है, जो कि ये है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरह वेट निकालना है वो हम बताएंगे आपको। ये जो वाला जो हिस्सा है वो इस जगह पे लगा होता है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ये भी हम प्रैक्टिकली जो बना हुआ है वो दिखाएंगे आपको, इसका वेट कैसे निकालना है। और ये प्लेट होता है 10 mm का, इस टाइप का अगर शेप आ जाए प्लेट का तो उसका वेट कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। ये प्लेट यहाँ पर लगता है, ऐसे ऐसे लगता है। ठीक है, अब इन सब का धीरे धीरे एक एक करके वेट निकालते हैं। पहला इसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है निकलता कैसे है, हाफ इंटू ए बी, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं या फिर ए बी को मान सकते हैं, जो भी आपके ऊपर है। तो हमने ए बी ही लिया तो 0.1 × 0.13 आ जाएगा, क्योंकि mm में ये है और मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेट के थिकनेस से, जो कि 10 mm है, तो 10 mm को मीटर बदलेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इतना जो कैलकुलेट करेंगे हम वो आएगा MQ में। ठीक है, लेकिन हमें इसको लाना है KG में। तो आपको जैसा कि पता है डेंसिटी ऑफ स्टील जो होता है वो कितना है, डेंसिटी ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो सिंपल यहीं पे उसे कर देना है, 7850 लिख देना है। और ये प्लेट कितना लगा है, 4 पीस, तो पूरे 4 करके बस हो गया। इतना मल्टीप्लाई करिए जो आएगा वो वेट हो जाएगा, तो ये आएगा 2.04 kg हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये पहला हो गया। दूसरा इस टाइप का अगर शेप आता है तो आप इसको मैच कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, एक इस पार्ट को एक बना लीजिए, ये 2 पार्ट हो गया। तो पहले पहला पार्ट का करते हैं, तो ये 600.6, 20 mm चौड़ाई तो 0.02। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm तो 0.01 इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 इंटू 4 पीस गुणे 4, बस हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो आएगा आपका 3.768 kg। ये सारा कैलकुलेशन हमने किया रखा है, आप करके देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये बन गया ट्रायंगल शेप, तो हाफ हो जाएगा। इसे ए मान लेते हैं हम, 0.6 इंटू इसके ऊपर का हिस्सा कितना बचा, ये 20 तो हमने कर लिया, 300 में से 20 गया तो 280 आया, तो 0.28 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टील लिख दीजिए 7850, इसे थिकनेस ऑफ प्लेट लिख दीजिए 0.01 और 4 पीस है तो गुणे 4, बस मल्टीप्लाई करिए आंसर लीजिए, ये आ जाएगा 26.37 kg। ठीक है, अब इसी तरह से इस प्लेट का भी आप निकाल सकते हैं, इसे इस तरह से मैच कर लीजिए। ठीक है, ये एक पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट आ जाएगा, तो सिमिलर इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब चलिए हम आपको इसको फिगर में दिखाते हैं, ये चीज़ कहाँ पे है, सब कुछ फिगर में एक एक करके दिखाते हैं।